माणिक वर्मा। किराना घराने की श्रीमती माणिक वर्मा का नाम प्रतिष्ठित गायिकाओं में बड़े सम्मान से लिया जाता है। आपने स्वर्गीय सुरेश बाबू माने, जगन्नाथ बुआ पुरोहित तथा भोलानाथ भट्ट आदि विद्वानों से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। आपको किसी भी विद्वान से ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी संकोच नहीं रहा, इसलिए आपकी गायकी में कई घरानों का सार दिखाई पड़ता है। आलाप में किराना घराना और तानों में अल्लाह दिया खां की झलक और ठुमरी गायन में पंडित भोलानाथ भट्ट की झलक दिखाई पड़ती है। इनका जन्म 16 मई 1926 को पूना में हुआ था। बंबई विश्वविद्यालय की स्नातिका श्रीमती माणिक स्वभाव से बड़ी सरल और सुशील थी। शादी के उपरांत घर गृहस्थी की बढ़ती झंझटों में फंसे रहने के बावजूद आपके अभ्यास में किसी प्रकार की कमी नहीं आई, बल्कि प्रत्येक आकाशवाणी केंद्र से तथा कई बार अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अपना गायन प्रसारित किया। उत्तर भारत के सभी संगीत सम्मेलनों में आप निमंत्रित की जाती रहीं और आपका कार्यक्रम सफल होता था। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल के बाद ठुमरी और भजन गाती थीं। पुरानी परंपरा के अनुसार आप विलंबित ख्याल में लय बहुत धीमी नहीं रखती थीं। स्थाई अंतरा के बाद क्रमबद्ध रीति से स्वरों का विस्तार करती थीं। बहलावे का ढंग आपकी अपनी निजी विशेषता थी। गायन में लयकारी को विशेष स्थान नहीं देती थीं, जिससे उनकी शैलीगत विशेषता में कोई कमी नहीं आती थी। मराठा परिवार में उत्पन्न होने के कारण आप मराठी गीतों का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करती थीं। शादी के पूर्व आपका नाम माणिक दादरकर था। श्री अमर वर्मा की धर्मपत्नी हो जाने के कारण माणिक वर्मा हो गई। यमन, शुद्ध कल्याण, तोड़ी, भैरवी, देशी, नायकी कान्हड़ा आदि आपके प्रिय राग थे। थोड़ी सी अस्वस्थता के बाद मुंबई में आपकी मृत्यु 10 नवंबर 1996 को हो गई।